गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे के दिन जो नॉडी है हमारा बेटा वो इतनी प्यारे कलरफुल बाथटब में नहाने वाला है और ये इसकी मालिश हो चुकी है और हम ले जा रहे हैं इसको बाथटब में पहली बार नहाने के लिए। नहा तो बहुत बार चुका बस बाथटब में वो पहली बार नहाने वाला है और हम देखने वाले हैं कि उसको बाथटब में कितना ही मज़ा आने वाला है। तो ये हम आ गए बाथटब को लेकर हमारी बालकनी से। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा नज़ारा है हमारी बालकनी से और ये रखिए हमने बाथटब। आपका बाथ तब एकदम नया है और आप उसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको एक बार साफ़ पानी से ज़रूर धो लीजिएगा, क्योंकि जब जो बाथ तब नया होता है उसको सेफ़ रखने के लिए, जिससे कि उसका प्लास्टिक ख़राब ना हो, उसमें वाइट कलर का एक केमिकल पाउडर फॉर्म में डाला जाता है जो कि बच्चों की स्किन से रिएक्ट कर सकता है। तो हमने भी उस केमिकल को दूर करने के लिए पहले उसको एक बार साफ़ पानी से वॉश कर लिया है। अब हम बाथ तब को थोड़े से गर्म पानी से पूरी तरीके से भर देंगे। हमको याद रखना पानी एकदम फुल ना भरे। अगर हम पानी फुल भर देंगे तो जैसे हम उसको बेबी को अंदर नहलाने के लिए डालेंगे तो पानी जो छलक कर बाहर आएगा। और अब हमारे पास साथ ही साथ ये स्पेशली नहाने के टाइम पर कुछ बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, जिससे जब वो बाथ टब में नहाते हैं तो उनको खेलते नहाते नहाते खेलने का भी मज़ा आता है, इन टॉयज़ से वो खेल सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉयज़ थे ये हमने डाल दिया है और इस बाथ टब में बचा हुआ पानी जो हमारा गर्म पानी था उसको पूरी तरीके से डाल के हमने उसको कह सकते हैं कि 85% पूरे तरीके से भर लिया है। 15% हमको खाली ही छोड़ना है। तो अब हम लेकर के आते हैं नॉडी को। नॉडी जो है वो मालिश के बाद एकदम पूरे तरीके से नहाने के लिए तैयार हो गया है। हम यूजुअली नॉडी को मालिश करते हैं और उसके कम से कम आधे घंटे के बाद ही उसको हम नहलाते हैं। तो आज भी हम नॉडी की मम्मी ने यही किया, मालिश कर दिया है। अब उसको कम से कम 15-20 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये पहली बार नॉडी को आप देख सकते हैं बाथ टब में स्नान करते हुए। ये बात उसको मज़ा आ रहा है। अभी तो फिलहाल टॉयज़ देख रहा है, टॉयज़ में ज़्यादा बिजी है हमारा बेटा। शुरुआत में जब नॉडी को हमने बाथ टब में नहलाने के लिए कोशिश किया तब वो थोड़ा सा घबरा रहा था, रो रहा था। अब ये तो समझ में नहीं आया हमको कि ऐसा क्यों था। तो पहले तो हमने सोचा कि चलो अब इसको उसके बाथ टब से बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम हमारे बाथरूम में ही नहला देंगे जैसे अभी तक यूजुअली हम नहला रहे थे। पर हमने थोड़ा सा कोशिश की कि चलिए थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाते हैं, थोड़ा सा इसके साथ हम पानी में खेलते हैं, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मज़ा आने लगे, थोड़ा सा ये कंफर्टेबल हो जाए तो उसको नहाने में और मज़ा आने लगेगा। तो इसी तरीके से हम उसके साथ पानी में खेलते गए। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि जब वो थोड़ा सा नई चीज़ को हमारे बाथटब को उसने अडॉप्ट किया और उससे वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया और उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये जो चीज़ है ये हमारे लिए सेफ्टी पर्पज़ से हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। तो अब आप देखेंगे कि उसको नॉडी जो है वो कम्फर्ट जोन में आ चुका है और उसको अब खुद मज़ा आने लगी पानी में। तो यहाँ पर नॉडी की मम्मा ने उसको पानी में बैठा दिया है और गाना गा रहे हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो इस तरीके से जो नॉडी की फर्स्ट बात तब में जो बात थी, छोटे से स्विमिंग पूल में जो बात थी, वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सही साबित हुई है। और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप कुछ इस तरीके से बाथ टब का इस्तेमाल करिए, बहुत मज़ा आएगा। छम 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 छम। तो ये देख लीजिए टॉयज के साथ भी नॉडी खेल रहा है और बाथ टब में नहा भी रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो प्लान था कि हम नॉडी को थोड़ा बाथ टब में नहला के देखते हैं कि उसको मज़ा आता है या नहीं, तो नॉडी को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। नॉडी को मज़ा ही आ रहा है। अब उसकी मम्मी ने तो क्या नॉडी को पूरी नहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप से पूरी तरीके से रगड़ दिया नॉडी को। बट हाँ, मुझे भी ये सब देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि नॉडी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है। और मैं सच बताऊँ तो जब खुद का बच्चा खुश रहता है, कुछ चीज़ को इन्जॉय करता है, तो अंदर से एक अलग ही खुशी आती है मन में कि हाँ, अब यहाँ पर नॉडी को उसकी मम्मी ने पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया है। बस आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आपको सर से या नाक के ऊपर तक ही आप पानी में उसको डुबोइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए कि उसका आपका सर डूब जाए, हो सकता है नाक के अंदर पानी चला जाए तो बहुत ही अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन आ सकती है। तो इतनी चीज़ें आपको हमेशा से ध्यान देनी है। अब क्योंकि हमने उसको इस बाथ टब में नहला लिया है तो उसका जो साबुन का पानी वो बाथ टब में ही रह गया है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा साफ पानी था उसको अलग रखा था। तो हम नॉडी को बाहर निकालने के पहले एक बार साफ़ पानी से उसको अच्छे से नहला देंगे ताकि किसी भी प्रकार का जो सोप वाला
पानी है वो बॉडी में ना रह जाए और पूरी तरीके से नॉडी जो है वो साफ पानी से नहा करके निकल जाए। नॉडी मजा आया, नॉडी मजा आया। नॉडी जो है वो तैयार होके मस्त पाउडर क्रीम और काजल लगा के आ चुका है, बट यकीन मानिए उसको बाथ टब में नहाने में बहुत मजा आया है। अगर आपके घर कोई छोटा बच्चा है तो आप इस बाथ टब को जरूर ट्राई करिएगा, उसमें उसको नहाने में बहुत मजा आएगा और आपको उसको नहाते हुए खुश देखकर बहुत मजा आने वाला है। संडे को एंजॉय करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हैप्पी संडे, गुड बाय दोस्तों, एंजॉय वीकेंड, बाय।